नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशिक। बिहार में इस समय सभी लोग 2024 चुनाव की बात कर रहे हैं। सारे राजनीतिक दल जो हैं अपने अपने ताकत को दिखाने में लगे हुए हैं। सब लोग दावा कर रहे हैं कि 2024 में हमारी सरकार होगी। इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने रक्सौल में संयुक्त रूप से पंचायती मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय जायसवाल और नवल किशोर यादव ने क्या कुछ दावा किया, पहले ये देखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री 8 बार तो 17 साल में रह गए, उनको इच्छा है कि प्रधानमंत्री बनने का। उनको लगता है कि देवगौड़ा बन गए, इंद्र कुमार गुजराल बन गए तो हम भी बन जाएंगे। लेकिन आज जो स्थिति है वह उनका सपना सपना ही हो पाएगा, यह चूक की बात नहीं है, यह महत्वाकांक्षा की बात है। उनकी महत्वाकांक्षा थी कि भाई हमको अब इसके बाद तो हम चुनाव कभी लड़ेंगे नहीं, तो ये आखिरी बार NDA में तो नो वैकेंसी है, तो इसीलिए अपना उछल कूद करके चले गए हैं कि हमका प्रधानमंत्री बन जाए। आप देख ही रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे जो क्षेत्रीय दल है वो प्रधानमंत्री बना रहे हैं, जो राष्ट्रीय दल है वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा ही नेता प्रधानमंत्री बनेगा। तो अभी तक 27 उम्मीदवार थे प्रधानमंत्री के, अब एक 28वां उम्मीदवार। तो सुना आपने, संजय जायसवाल कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। संजय जायसवाल ने सीधे सीधे नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर होकर के कहा कि नीतीश कुमार भविष्य में कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। अब नवल किशोर क्या कहते हैं, ये जरा सुनते हैं। संजय जायसवाल निर्देशन पर पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के हर जिले में संगठन से बात करना, संगठन की स्थिति को जानकारी देना, अपने संगठन को अलर्ट करना, आने वाले कमिंग डेज के लिए उनको उत्साहित करना, तैयार करना और अभी से ही अपने कार्य में लग जाने के लिए एक एक चीज नीचे से ऊपर तक उसका मुआयना करके और लैस करके विचारों से, भारतीय जनता पार्टी के विचारों से लैस करके और अपने लोगों को आने वाले दिन में जो राजनीतिक ठप तक है उसको ठीक करने के लिए 2024 में 35+ सीट जीतने के लिए और 2025 में बिहार के सरजमीन पर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए हम तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे बिहार में भ्रमण करके अपने साथियों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने नेताओं के साथ संगठन के एक एक चैनल को अलर्ट कर रहे हैं। तो सुना आपने, विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने कहा कि अब की बार हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ 2024 में आएंगे, 2024 में बहुमत साबित करेंगे और बिहार में केवल हम होंगे और कोई नहीं होगा, और 2024 में हमारे जो प्रधानमंत्री का लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री के लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, हम लोगों के अलावा और कोई नहीं होगा। तो इन्हीं बातों के साथ अब तक के लिए बस यही तक, फिर मिलते हैं नए मुद्दे नए सरोकारों के साथ। तब तक देशवा न्यूज देखते रहिए, अच्छा लगे तो अपना सुझाव देना नहीं भूलिए। नमस्कार। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।